ये गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मुझे अपना ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे मिला। आज की वीडियो में हम अपनी जर्नी को शेयर करेंगे कि आखिर कैसे ये मेरे घर तक पहुँचा। मैंने भी काफ़ी सारे जुगाड़ किए थे एक्सिस की वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट के ऐप के अंदर ये कार्ड का प्री अप्रूव्ड मुझे कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था अप्लाई करने का, और ये कार्ड कम से कम 4 से 5 बार रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद में मैंने ये कार्ड लिया है, वो ही बिना इनकम प्रूफ के। जी हाँ, बिना इनकम प्रूफ के, बिना किसी वेरिफिकेशन के ये कार्ड, फ्लिपकार्ट का ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर बहुत सारे लोग इसको लेने के लिए अप्लाई करते हैं और कई बार ये कार्ड भाई रिजेक्ट करता है बैंक। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि भाई कैसे इस कार्ड को लेना है, क्या ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, कैसे मिल। देखो 500 या एनुअल और ज्वाइनिंग फीस तो हम सबको मालूम है, कई बार तो एनुअल और ज्वाइनिंग फीस भी ये कार्ड की माफ़ हो जाती है। कई बार बैंक खुद से ऑफर देता है अपने कस्टमर के लिए इस बैंक का, मतलब प्री अप्रूव के तरीके से लाइफ टाइम फ्री, लेकिन ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है। और ये जो कार्ड है वो मुझे बड़ी मशक्कतों के बाद बिना किसी, देखो या फिर आपकी जॉब होनी चाहिए मंथली सैलरी के बेसिस पर, अब तो आपका अच्छा खासा बिजनेस हो, आप ITR फाइल वगैरह करो, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, फिर भी ये कार्ड मेरे पास में है और ये कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और लिमिट है जो सिम कार्ड के साथ में शेयर की जा रही है। देखो मैंने ये कार्ड लिया था एक एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कार्ड को साथ में, क्योंकि मेरे पास में एक पहला कार्ड था एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री है। अब ये कार्ड तो मैंने भाई कई बार अप्लाई किया, बैंक ने सीधा आउट राइट रिजेक्ट कर दिया, सीधा लात मार के। अब मैंने बहुत सारा तिगड़म लगाया, मेल किया, मैसेज किए फ्लिपकार्ट को, मैंने कई बार मैसेज किए कि भाई मुझे दे दो यार, मतलब क्या ऑप्शन आप लोग दे ही नहीं रहे हो मुझे। देखो आपने देखा होगा ना कि फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर आपको एक एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे। अच्छा खासा शॉपिंग था, अच्छा खासा मेरे पास सारी चीज़ें थी फ्लिपकार्ट के अंदर, फिर भी मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे थे। मैंने उसके बाद क्या किया कि भाई एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर गया। सबसे पहला तो मैंने एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, कार्ड अप्रूव हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद माईजोन का क्रेडिट कार्ड मेरे घर पर डिलीवर हो गया, लाइफ टाइम फ्री था। उसके बाद मैंने सीधे क्या किया कि अपना एक एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया, 15,000 मेंटेन करने वाला। सीधे ही ब्रांच जाकर मैंने वो अकाउंट ओपन किया था। उसके बाद अब भाई एक और प्रॉब्लम आई कि यार अब मैं 15,000 रुपये मेंटेन कैसे करूँ अपने अकाउंट के अंदर। ये बड़ी प्रॉब्लम थी भाई एक्सिस बैंक के अंदर, अब मेंटेनेंस का मुझे तो मैंने एक चीज़ देखी एक्सिस बैंक की वेबसाइट के ऊपर कि जो एक्सिस बैंक की रूरल ब्रांचेस हैं वहाँ पर सिर्फ 2,500 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रिक खेली, क्या किया कि मैंने अपना जो अकाउंट है 15,000 वाला, मतलब मेट्रो सिटी की ब्रांच में मैंने ये अकाउंट ओपन किया था, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक खेली, अपना बैंक अकाउंट कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया, सीधे उनसे बोला कि मुझे अपना बैंक अकाउंट दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है। मैंने अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट रूरल बैंक की ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा दिया, 3 से 4 दिन में मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद मैं सिर्फ अब जो रूरल ब्रांच में मेरा अकाउंट गया तो अब मुझे वहाँ पर सिर्फ 2,500 रुपये मेंटेन करने थे, अब मुझे 15,000 रुपये मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैंने एक ट्रिक खेली, अपना जो अकाउंट भी ओपन हो गया और मेरा जो मेंटेन है वो भी मैं आप 2,500 रुपये, तो क्या ही बड़ी बात होती है, कोई भी मेंटेन कर ले देता है। उसके बाद मैंने अपना सीधा जो कार्ड है वो अपना सीधा, मतलब अब तो अकाउंट ओपन हो गया तो मेरा माईजोन का कार्ड मेरे एक्सिस बैंक के ऐप में सीधा, मतलब सारी चीज़ें एकदम कनेक्टेड हो गई। उसके बाद भाई मैंने वहीं से सीधे फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ के अंदर आपको क्या अप्लाई करना है, मैंने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया, आप भी क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपसे थोड़ी सी जानकारी मांगेगा, क्योंकि आपके पास पहले से एक एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगी जाएगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और सीधे आपको यहाँ पर ऑफ़र मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का कार्ड चाहिए, न्यू कार्ड चाहिए या फिर कौन सा कार्ड चाहिए। तो मेरे पास में पहले से माईजोन था और भाई मैंने सीधा वहीं पर दिख गया एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड,
सीधा क्लिक किया, वहीं पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाला, इंस्टेंट कार्ड जनरेट हो गया बिल्कुल, और साथ 6 से 7 दिन में ये कार्ड मुझे डिलीवर हो गया। ये एक्सिस बैंक की अच्छी खास बात है कि भाई आपके पास कोई पहले से कार्ड है या बैंक अकाउंट है तो वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है बड़े ही आसान तरीके से, और अगर पहले से कोई कार्ड है तो इंस्टेंट कार्ड जनरेट भी हो जाता है, मतलब तुरंत कार्ड भाई मिल गया, तुरंत आप उसका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाता है, तुरंत यूज़ भी कर सकते हो। और ये तो कार्ड फिर कोई काम का नहीं है, रखा हो रहता है, यूज़ तो ऑनलाइन करना है, अब एटीएम का तो एटीएम में जाकर तो इसका आप यूज़ करोगे नहीं। तो ये मेरी जर्नी थी, मैंने इस तरीके से इस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को लिया है बड़े ही जुगाड़ लगा के। देखो ना तो मेरे पास कोई इनकम प्रूफ है और ना कोई वेरिफिकेशन हुआ और ना मैं कोई ITR फाइल करता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, लेकिन फिर भी मेरे पास में ये कार्ड है और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से अपने हर एक कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। सिविल अच्छा था, 770 से ऊपर सिविल था, और लेकिन फिर भी 770 होने के बाद ही मेरा बैंक पर जब मैंने अप्लाई किया था बैंक की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन माइजोन कार्ड के बाद में ये मुझे फ्लिपकार्ट का कार्ड मिला, उसके बाद एक और नियो कार्ड मुझे फ्री दिया गया, लाइफ टाइम फ्री रुपे क्रेडिट कार्ड, जो मेरे पास में उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। इस तरीके से अगर आप भी लेना चाहते हो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ड, खुजली मची है अंदर, तो ले सकते हो इसी तरीके से, सेम जुगाड़, बिल्कुल बैंक अकाउंट ओपन मत करो, माइजोन के लिए अप्लाई करो, लाइफ टाइम मैंने माइजोन कार्ड मिल जाएगा, उसके बिहाव पर ये कार्ड मिल जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो 15,000 है, क्योंकि माइजोन की लिमिट भी 15,000 है, और तीनों कार्ड पर एक ही लिमिट यहाँ पर है, जो लिमिट है वो तीनों कार्डों की लिमिट भाई मैच सेम है बिल्कुल। तो एग्जिस्टिंग कार्ड के साथ में इनकी जो लिमिट है वो शेयर होती है। तो इस तरीके से थी मेरी जर्नी, मैंने इस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड लिया। तो थैंक यू और गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।